सॉफ्टवेयर होता है ठीक है जो कि हमको क्या है मदद करता है मैम देखो गाइस कोई भी चीज़ अपन सॉफ्टवेयर या कुछ भी लगाते हैं अपने यहाँ पे तो वो फ़ायदे के लिए लगाते हैं कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें हमारी मदद करे ईजी चीज़ें करे मतलब मैनेज करने में हमको हेल्प करे ठीक है तो जो ये ओलाप रहेगा सॉफ्टवेयर या कोई और भी सॉफ्टवेयर रहता है गाइज वो मैनेज करने में हेल्प करता ही है ये तो ये कॉमन पॉइंट होगा कि ये हेल्प करेगा हमको और ये एनालाइज करेगा इस डाटा को ठीक है जल्दी 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 फास्ट फास्ट कंसिस्टेंटली इंटर एक्टिव वे में ठीक है और आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ व्यूज़ देगा बहुत सारे तरीके से आपको देखने का नज़रिया देखेगा जैसे कि गाइज़ में आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि गाइज़ आप मान लीजिए कि आपको रिलेशनशिप में हो ठीक है और एक गर्ल है और एक बॉय है ओब्वियसली गर्ल और बॉय होंगे तो गाइज़ आप रिलेशनशिप में हो तो गाइज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हो सकता है वो सही हो आप लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हो सकते ये भी सही हो बट साइमेंटेसली उस टाइमिंग में उस सिचुएशन में कौन सही है ये ही जज करना पड़ता है ना तो भाई जब लड़की अपने नज़रिए से देखेगी तो वो लड़के के नज़रिए से नहीं देख सकती ठीक है और जब लड़का अपने नज़रिए से देखेगा तो वो लड़की के नज़रिए से नहीं देख सकता इसलिए दोनों अपने आप को सही प्रूफ करने में लग जाएंगे कि नहीं मैं सही हूँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ होंगे दोनों सही बट गाइज वो लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे ना दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होंगे ठीक है तो ये बात हमको समझनी पड़ती है और अपन झगड़ा करते रहते हैं छोटी छोटी चीजों में ठीक है तो गाइज ये जो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा ना ये झगड़ा को मिटाने का काम करेगा ये क्या करेगा आपको सारे पॉसिबल व्यूज दे देगा समझ लो आप लड़की हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में इसकी दस पॉसिबल आंसर है दस पॉसिबल काम कर सकते हो आप वो दस चीज दिखा देगा और जो लड़का है वो ऐसा कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है वो दिखा देगा तो इससे अपन को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा है ना हमको समझ में आएगी चीजें गाइस देखो हम कुछ गलत करते हैं कभी झगड़ा होता है हमारा किसी के भी साथ तो हमारी गलती हमेशा होती नहीं है और सामने वाले की भी नहीं होती है ठीक है गलती सिचुएशन की होती है टाइमिंग की होती है या फिर अंडरस्टैंडिंग लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की हो जाती है ठीक है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे व्यूज होते हैं और हर हर चीज को देखने के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और हर पॉसिबल व्यू से हो सकता है कि उनकी नजरों में वो सही हो बट हमारी नज़रों में नहीं ठीक है तो ओलाप जो रहेगा आप ऐप डाउनलोड कास्ट ओला कोई ऐप होता तो मैं बोलती प्लीज डाउनलोड कर लो और अपनी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो करके बट ये सॉफ्टवेयर है तो गाई आप बिजनेस की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हो ठीक है होप गाई आपको कोई एग्जाम्पल दिमाग में बैठे रहेगा फिर ये क्या एनेबल करेगा आपको कि ये आपको एनालाइज करके देगा बहुत सारे डाटा बहुत सारे डाटा को एनालाइज करके देगा ठीक है फिर जो ओल सॉफ्टवेयर है ना सर्वर उसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई है गाइस बहुत अच्छी कैपेसिटी है इसकी ये डाटा मैन्यूपलेट भी कर सकता है इसके पास इंजिन ऐसा और सपोर्ट भी करेगा ये आपके स्ट्रक्चर को ठीक है देन टाइप ऑफ ओल कितने टाइप के ओल होते हैं तो रोल होता है मोलैप होता है होल होता है

क्लासिक फॉर्म नहीं होता किसी भी चीज़ का तो क्लासिक फॉर्म देगा ये मोल ऐप आपको ठीक है उसके बाद रोल ऐप क्या करेगा रोल ऐप जो रहेगा आपको डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा कि आप रेशनली चीज़ों को देख सको ठीक है और वो आपको स्टोर करता है इस टेबल फॉर्म में मतलब ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है ये फॉर्मल वे में काम करता है ठीक है

और फिर बहुत लार्ज क्वांटिटी की डाटा डिटेल में करता है कवर ठीक है मतलब समझ लो आपने कोई भी डेटा डाला तो उसको एकदम छोटे टुकड़े पे स्टोर करेगा और उसके बाद तो फिर उसका डिटेलिंग रखेगा वो ठीक है गाइस ओलैप जो रहता है वो बहुत सारी शॉर्टकमिंग जो अपनी मोलैप और रोलैप में अपन को देखने को मिलेगी ना उसको हटा देता है ठीक है वो शॉर्टकमिंग हटाने का काम करता है बहुत सारी उसके आगे जो बाकी के गाइस इसका बस आपको फुल फॉर्म याद करना है जैसे कि वो लैब का क्या मतलब होता है वेब बेस्ड ओलैप मतलब वही

जो कि हमारी इंप्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटबिलिटी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी में ठीक है उसको कैसे इंप्रूव करते हैं उसके कुछ टूल्स है जो कि अपन पढ़ चुके गाइस बताओ पढ़े कि नहीं पढ़े हम नहीं पढ़े हैं वेरी गुड एम आर पी वन एम आर पी टू और ई आर पी गाईस ये तीन सॉफ्टवेयर होते हैं ये तीनों आपके पास है जो कि इंप्रूव करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है ये क्षमता को बढ़ाता है आपकी अच्छी करता है और ये आपकी फायदे को बढ़ाता है ठीक है तो गाइस ये वाला अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए और अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो बाय गाइस